गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सीजीएस कोचिंग। देखिए, आज हम पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है कि डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो बेटा ध्यान रखना आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिया गया है और आयरलैंड ने भी इसको जो है कॉपी किया स्पेन से। आयरलैंड ने कहां से कॉपी किया इसको? स्पेन से। और इंडिया ने कहां से कॉपी किया इसको? आयरलैंड से। ठीक है, पार्ट फोर में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट फोर में डीपीएसपी आता है और आर्टिकल आते हैं इसके अंतर्गत आर्टिकल्स 36 से लेके 51 तक, ये आर्टिकल्स आते हैं डीपीएसपी में। क्लियर है? देखिए, अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं बेटा, ये ध्यान रखना है आपको, ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है कि जो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को जो है एंश्योर किया जाए और एक वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए, तो ये इनका प्रिंसिपल है। अब बेसिकली आप समझेंगे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सिर्फ राज्य को, केंद्र को, सरकार को निर्देश है कि आप जब भी कोई पॉलिसीज बनाएं, जब भी कोई नीति बनाएं, तो उसमें इन चीजों को शामिल करने की कोशिश करें। हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जिस प्रकार एनफोर्सिएबल हैं, जस्टिसिएबल हैं, यानी कि अगर उनका कोई वायलेशन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी जो है जस्टिसिएबल नहीं है। डीपीएसपी जो है जस्टिसिएबल नहीं है, ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, अब देखिए जो सापरू कमेटी थी 1945 में, सापरू कमेटी थी 1945 में और उसने सजेस्ट किया था इंडिविजुअल राइट्स की दो कैटेगरी को, एक जस्टिसिएबल यानी कि जिसका वायलेशन होने पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हो, एक नॉन जस्टिसिएबल यानी कि जिसका वायलेशन होने पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो हम जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल है, जिनका वायलेशन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, इनका वायलेशन होने पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। क्लियर है? तो हर लाइन से बेटा क्वेश्चन बन सकता है, हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो दे आर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर एनुमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हम जानते हैं कि भारत का संविधान इतना लेंदी क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है और 1935 का जो एक्ट है वो अपने आप में इतना लेंदी है, उसके बाद फिर नई चीजें जोड़ी गई हैं और फिर अमेंडमेंट, तो इसलिए ये लेंदी है। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको कि सोशल डेमोक्रेसी यानी कि दे सीक टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र जो है अपने देश में स्थापित करने की बात करते हैं। तो डीपीएसपी क्या है? ये आइडियाज हैं जो फोर्सिएबल तो नहीं है, जैसा कि मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते आप, ठीक है, इसके वायलेशन होने पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, वही चीजें हैं। अब डीपीएसपी को जो है तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जो कि गांधी जी जो सोशलिस्ट समाजवाद की विचारधारा पर आधारित हैं, समाजवाद की विचारधारा पर आधारित हैं, गांधीयन प्रिंसिपल गांधी की विचारधारा पर आधारित हैं, और ये लिबरल प्रिंसिपल हैं। तो तीन कैटेगरी में हम इनको डीपीएसपी को डिवाइड करते हैं, ये देख पा रहे हैं आप क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल।
तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल से संबंधित आर्टिकल हैं आर्टिकल 38, 39, 39A, उसके बाद 41, 42, 43, 43A और 47। गांधीयन प्रिंसिपल की अगर बात की जाए तो आर्टिकल्स 40, 43, 43B, 46, 47 और 48 हैं। लिबरल प्रिंसिपल की बात की जाए तो 44, 45, 48, 48A, 49 और 50 और 51। ये आर्टिकल्स जो है तीन कैटेगरी में कंबाइंड बताए गए हैं। और वहां उसके बाद देखिए हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या होता है। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल में देखिए यहाँ क्लियर मेंशन है कि ये जो प्रिंसिपल है इनका उद्देश्य है कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इनका जिक्र जो है कई आर्टिकल्स में किया गया है। आर्टिकल 38 की अगर हम बात करें तो इस ये कहता है कि प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर थ्रू जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो आर्टिकल 38 किस क्या बात करता है कि ये जो है वेलफेयर को प्रमोट करेगा, लोगों की वेलफेयर को, और सिक्योर करेगा सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। और जो इनइक्वालिटीज होंगी, असमानताएं होंगी समाज में, उनको जो है कम करने की कोशिश करेगा, इनकम से संबंधित, स्टेटस से संबंधित, सुविधाओं से संबंधित और अपॉर्चुनिटीज, अवसर से संबंधित, ठीक है। यानी कि अवसर की समानता, यानी कि उसमें इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, सबको बराबर जो है अवसर मिलने चाहिए हर चीज के। आर्टिकल 39 की बात की जाए तो ये जो है सिटीजन को सिक्योर करता है किस चीज को लेकर, भारत के नागरिकों को सुरक्षित करता है किस चीज को लेकर। तो इसमें देखिए पहला बात करते हैं ये राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए जीने के लिए जो लाइवलीहुड चाहिए वो सफिशियंट होनी चाहिए। दूसरा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, और जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका बराबर बंटवारा होना चाहिए, ऐसा जो है कोशिश करनी चाहिए सरकार को जब वो पॉलिसी बनाए। उसके बाद जो है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन के साधन है और जो धन है वो एक जगह पर एकत्रित होकर न रह जाए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए, उसको प्रिवेंट करना है। और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए सभी को समान वेतन दिया जाना चाहिए। और प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स चिल्ड्रंस अगेंस्ट फोर्सिएबल अब्यूज, अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये सारी चीजें स्टेट को ध्यान रखनी है कि वर्कर जो काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ को ध्यान करना है, हेल्थ को सिक्योर करना है, और किसी बच्चे को दबाव डालकर काम नहीं किया जा सकता, और हेल्थ बच्चों को हेल्थी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मुहैया कराना है, अवसर मुहैया कराने हैं। आर्टिकल 39 वही 39A वही बात करता है इक्वल जस्टिस की, फ्री लीगल एड टू द पुअर, गरीबों को फ्री लीगल एड यानी कि सहायता, और इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना, समान न्याय को प्रमोट करना, ऐसा जो है डीपीएसपी बात करते हैं आर्टिकल 39 में, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। आर्टिकल 41 क्या कहता है बेटा, आर्टिकल 41 कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के केस में और ओल्ड एज के केस में, सिकनेस यानी कि बीमारी के केस में और डिसेबलमेंट के केस में सिटीजन को सिक्योर करना है कि राइट टू वर्क मिले, राइट टू एजुकेशन मिले और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, पब्लिक की सहायता मिले, सरकारी सहायता मिले, ठीक है। तो आर्टिकल 41 आपको याद रखना है, ये अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज और सिकनेस यानी कि बीमारी के केस में सिटीजन्स को वर्क और एजुकेशन और सरकारी सहायता ये मिलनी चाहिए। आर्टिकल 42 बात करता है जो मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्कर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, जो महिलाएं काम करती हैं उनकी मैटरनिटी रिलीफ, जो महिलाएं काम करती हैं प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको मैटरनिटी रिलीफ दिया जाना चाहिए, क्लियर है।
आप जानते हैं कोई वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे छुट्टी दे दी जाती है और सैलरी भी आती है। आर्टिकल 43 बात करता है लिविंग वेज और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर, सभी वर्कर को सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर मिलने चाहिए, दिए जाने चाहिए। आर्टिकल 43 बात करता है बेटा कि यहां देखेंगे हम आर्टिकल 43 बात करता है सिक्योर अ लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर, ये 43 हो गया। 43A जो कि अमेंड किया गया है, इसमें बात की गई है टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में जो है वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को सिक्योर करना है। आर्टिकल 47 बात करता है रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है, न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्वों की मात्रा देनी है, पोषक तत्वों की मात्रा देनी है बच्चों को जिससे उनका हेल्थी डेवलपमेंट हो सके और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इम्प्रूव हो सके। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे और जो गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित डीपीएसपी हैं, गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित जो डीपीएसपी हैं गांधी जी की विचारधारा पर, तो यहां पे देखिए क्लियरली मेंशन है ये गांधी जी की आइडियोलॉजी पर आधारित हैं। ठीक है, ये गांधी जी की आइडियोलॉजी पर आधारित हैं। इसमें आर्टिकल 40 बात करता है कि विलेज पंचायत की बात करता है। गांधी जी हमेशा चाहते थे कि जो विकास है वो टॉप टू बॉटम ना होकर बॉटम टू टॉप हो, यानी कि गांव का विकास होना जरूरी है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक पूरे देश का विकास नहीं हो सकता। गांधी जी के जब हम पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो गांधी जी के पॉलिटिकल थॉट में उन्होंने पंचायत मॉडल का जिक्र किया है। हालांकि इंडिया में 73rd और 74th अमेंडमेंट के जरिए पंचायत मॉडल यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है, लेकिन गांधी जी ने जो पंचायती मॉडल दिया था उसको हूबहू सेम लागू नहीं किया गया है, उसमें कुछ और चीजें कम ज्यादा करके जो है लागू की गई है। तो आर्टिकल 40 के जरिए जो है कहा गया है कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, और पावर्स देने हैं उनको और सेल्फ गवर्नमेंट पे ध्यान देना है, सेल्फ गवर्नमेंट पे ध्यान देना है। और आर्टिकल 43 बात करता है कि प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं जो चलती हैं छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, उनको प्रमोट करना है, उनको बढ़ावा देना है। गांधी जी का एक सिद्धांत था चरखा वाला सिद्धांत था, जिसमें गांधी जी ने कहा कि चरखा को जो है यूनिवर्सल बना दो, यानी कि चरखा के माध्यम से जो खादी का उत्पादन होता है उसको यूनिवर्सल बना दो, और जब चरखा यूनिवर्सल हो जाएगा तो जो विलेज हैं इंडिया के वो अपने आप में सेल्फ सफिशियंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 43 बात करता है कॉटेज इंडस्ट्री के प्रमोशन की और इंडिविजुअल कॉरपोरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज, तो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट की बात करता है। आर्टिकल 43B आता है इसमें, आर्टिकल 43B आता है जो क्या कहता है, आर्टिकल 43B ये बात करता है बेटा वॉलेंट्री फॉर्मेशन की और ऑटोनोमस फंक्शनिंग की और डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनका प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए, इसकी बात करता है। आर्टिकल 46 बात करता है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST। आर्टिकल 46 ध्यान रखना है आपको, SC ST के समुदाय के जो लोग हैं उनका जो आर्थिक हित है और जो एजुकेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करना है। ठीक है, और जो अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, जो समाज के अन्य वीकर सेक्शन हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है और सोशल इनजस्टिस से बचाना है उनको, यानी कि समाज में उनके साथ कोई अन्याय ना हो और एक्सप्लोटेशन ना हो, यानी कि कोई शोषण ना हो, उनको इससे बचाना है। तो बेटा देखिए SC ST एक्ट आया
कानून बना, इसके तहत अगर एससी एससी समुदाय के लोगों के साथ कोई अब्यूजिंग वर्ड का इस्तेमाल करता है तो उसको सजा का प्रावधान है। तो ये क्या है, ये डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन ही है। आर्टिकल 47 बात करता है प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ। आर्टिकल 47 बात करता है कि जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है यानी कि मदिरा और ड्रग्स जो है जो हेल्थ के लिए खतरनाक होता है उसको जो है प्रोहिबिट करना है, उसको रोकना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में भी जो शराब है वो खुल के बिक रही थी, कारण सबसे ज्यादा टैक्स आता है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, ऐसा डीपीएसपी में कहा गया है कि इन चीजों पर रोक लगानी है, इन चीजों पर रोक लगानी है। आर्टिकल 48 बात करता है, ध्यान रखना, आर्टिकल 48 बात करता है स्लॉटर ऑफ काउज क्लेब्स एंड अदर मिल्च ब्रॉड कैटल एंड इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, ठीक है। काउ की जो गाय की स्लॉटिंग होती है, स्लॉटर जो काउस का स्लॉटर है उसको रोकना है। हम जानते हैं ना, कई बार न्यूज में देखा होगा आपने कि गाड़ियां पकड़ी जाती हैं उसमें काउ का मांस जो है, मरी हुई गाय या उसका मांस मीट इधर से उधर ले जाया जाता है, तो उस पे कंट्रोल रखना है, क्लियर। आगे हम बात करेंगे जो लिबरल प्रिंसिपल है डीपीएसपी के, उदारवादी। लिबरल मतलब उदारवादी, जो उदारवादी हैं, उदारवादी प्रिंसिपल हैं डीपीएसपी के जो लागू करने हैं स्टेट को, ध्यान रखना है अपनी पॉलिसीज बनाते समय। तो ये ध्यान रखना, ये जो उदारवादी प्रिंसिपल हैं ये लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पर आधारित हैं, उदारवाद की विचारधारा पर आधारित हैं। इसमें आर्टिकल 44 हम पढ़ते हैं, ये कहता है सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चर्च सिख ईसाई किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। हिंदू मैरिज के लिए अलग कानून है, मुस्लिम मैरिज के लिए अलग कानून है, ईसाई मैरिज के लिए अलग कानून है। तो यहाँ पे बात की गई डीपीएसपी में बताया गया कि स्टेट को ये ध्यान रखना है कानून बनाते समय कि सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, यूसीसी। देखिए यूसीसी पे सरकार ने, केंद्र सरकार ने कई स्टेप लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास करवाने के लिए, जिससे जो है सभी के लिए कॉमन लॉ हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है सभी के लिए कॉमन लॉ, किस सबके लिए अलग अलग नहीं, सभी धर्म जाति और सभी वर्ग के सभी समुदाय के लोगों के लिए एक समान कानून, एक समान कानून होना चाहिए। ऐसा जो है डीपीएसपी में कहा गया है स्टेट से कि आप जब भी कोई कानून बनाएं इससे रिलेटेड तो इस चीज को जरूर शामिल करें। आर्टिकल 45 की हम बात करें तो प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर। इसमें कहा गया है कि 14 साल की उम्र से कम, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को एजुकेशन देनी है, एजुकेशन देनी है और उनकी जो चाइल्डहुड केयर है उसका ध्यान रखना है, क्लियर। आर्टिकल 48 वही बात करता है कि ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। यहां पे देखिए कहा गया है कि जो एग्रीकल्चर है और एनिमल हस्बेंड्री है उसको आप नए तरीकों से मैनेज करें, क्योंकि साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करेंगे आप एग्रीकल्चर में तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी, उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा, ट्रेडिशनल अप्रोचेस से काम नहीं चलने वाला, क्लियर है। आर्टिकल 49 क्या कहता है बेटा, प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी अ नेशन नेशनल इंपोर्टेंस। जो राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय धरोहर हैं, जो राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय धरोहर हैं उनकी जो है उनको जो है हमें प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षित करना है, ऐसा डीपीएसपी के माध्यम से स्टेट को कहा जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 55
आर्टिकल 55 क्या कहता है, सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। यहां देखिए सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जा रही है, सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का पृथककरण, शक्तियों का पृथककरण। तो यहां पे कहा गया है कि जो जुडिशरी है न्यायपालिका उसको एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका से बेटा सेपरेट रखना है, सेपरेट रखना है पब्लिक सर्विस में। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है अपने यहां, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हालांकि एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेचर में जो है हमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि लेजिस्लेचर में जो एमएलए या एमपी चुने जाते हैं उसी में से कुछ लोगों को कार्यपालिका का सदस्य बना दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है। तो अगर सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जाए तो इंडिया में प्योर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, लेकिन जुडिशरी तो सेपरेट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। अब जो ब्रांचेस होती हैं सरकार की, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों में शक्तियों का पृथक्करण इंडिया में देखने को नहीं मिलता, लेकिन यूएसए में देखने को मिलता है प्योर सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर होता है तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पर, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पर, ये आपस में नजर रखती है, वॉच एंड डॉग का काम करती है। और यहां पर एक कॉन्सेप्ट निकलता है चेक्स एंड बैलेंसेस का, ठीक है, निगरानी रखने का। इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, एक कॉन्सेप्ट आपको ही पता होगा, सीमित सरकार, सीमित सरकार यानी कि लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट यानी कि सारी की सारी शक्तियां किसी एक ब्रांच के पास नहीं है, सबके काम अलग अलग बांट दिए गए हैं। और इसे ही कहते हैं बेटा, इसे ही कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि संविधानवाद, संविधानवाद। इसका क्या मतलब है, लिमिटेड गवर्नमेंट, सारी की सारी पावर एक ब्रांच के पास ना होकर सबको अलग अलग फंक्शन सबके बांट दिए गए हैं। जुडिशरी का अलग काम है, एग्जीक्यूटिव का अलग काम है, लेजिस्लेचर का अलग काम है। क्लियर। अब देखिए 42वां अमेंडमेंट हुआ था, उसके माध्यम से नई डीपीएसपी जोड़ी गई थी बाद में, हालांकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार मैं बताता हूं आपको कि कौन कौन सी डीपीएसपी बाद में जोड़ी गई थी 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में जो हुआ। तो यहां पे देखिए आर्टिकल 39 जो हमने डिस्कस किया था, सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये बाद में जोड़ा गया। आर्टिकल 39A टू प्रमोट इक्वल जस्टिस, ये बाद में जोड़ा गया। आर्टिकल 43A टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये बाद में जोड़ा गया। और आर्टिकल 48A टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट, ये बाद में जोड़ा गया। बेटा क्या रखना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, आर्टिकल 48A प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव, फॉरेस्ट यानी कि वन और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, इसको जो है प्रोटेक्ट करना है, ये जो है स्टेट से कहा गया है डीपीएसपी के माध्यम से। क्लियर है। तो ये इंदिरा गांधी जी के समय 42nd अमेंडमेंट हुआ था, ध्यान रखना है आपको। अब कुछ इंप्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं कि डीपीएसपी का इंप्लीमेंटेशन हमें कहां देखने को मिलता है। तो देखिए लैंड रिफॉर्म्स हुई, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स हुई, भूमि सुधार। तो डीपीएसपी में जो चीज स्टेट से कही गई थी वो भूमि सुधार कानून के माध्यम से हमें देखने को भी मिलती है। क्लियर है। ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स हैव पास्ड लैंड रिफॉर्म, ज्यादातर राज्यों ने जो है भूमि सुधार कानून पास कर दिए हैं। इससे क्या है, एग्रेरियन सोसाइटी में चेंज आएगा और कंडीशनों में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये कौन कौन से हैं, जैसे कि एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज लाइक जमींदार, जागीरदार और इनामदार, इनकी जो ये बिचौलिए जो थे इनका काम खत्म कर दिया गया। टीनेशी रिफॉर्म्स लाइक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फेयर रेंट्स, इनसे संबंधित कानून आ गए। और इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स,
और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड अमोंग द लैंडलेस लेबरर्स और कोऑपरेटिव फार्मिंग, इससे संबंधित कानून आए तो डीपीएसपी यहां हमें इंप्लीमेंट होते हुए दिखाई देती है। आगे हम बात करेंगे लेबर रिफॉर्म्स आई गई, लेबर रिफॉर्म्स, श्रम कानून, श्रम सुधार, लेबर रिफॉर्म्स यानी कि श्रम सुधार, ये इससे संबंधित भी कानून बने जो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने की इंप्लीमेंट हो रहा है ऐसा दिखाता है। तो यहां पर देखिए मिनिमम वेज एक्ट 1948 आया, कोड ऑन वेजेस 2022 आया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन एक्ट 1970 आया और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 आया जिसके अंतर्गत आप बाल श्रम नहीं करवा सकते, ठीक है। और इसके बाद जो है बॉन्डेड लेबर सिस्टम एवोल्यूशन एक्ट आया, बॉन्डेड लेबर को खत्म कर दिया गया, द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट आया, उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया एंड द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 आया। तो इन एक्ट से हमें दिख रहा है कि डीपीएसपी जो है इंप्लीमेंट हो रहे हैं और जिन राज्यों के पास जितना फंड है, जितना उनकी फाइनेंशियल वो स्ट्रॉन्ग है, उतना वो कोशिश कर रहे हैं कि डीपीएसपी को लागू किया जाए। क्लियर है? क्योंकि जिस राज्य के पास जितना ज्यादा फंड होगा, जो राज्य जिसके पास जितने ज्यादा रिसोर्सेस होंगे, इकोनॉमिक रिसोर्सेस, वही ज्यादा से ज्यादा इनको इंप्लीमेंट कर पाएगा। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो बात की गांधी जी ने पंचायत मॉडल की, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ, ठीक है, उसके माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। कॉटेज इंडस्ट्री के लिए जो है प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज एज पर आर्टिकल 43 की हमने बात की थी अभी कॉटेज इंडस्ट्री की, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे बोर्ड की स्थापना की जैसे कि विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, सिल्क बोर्ड, कॉयर बोर्ड, विच प्रोवाइड इसेंशियल हेल्प टू कॉटेज इंडस्ट्री इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग, जो कॉटेज इंडस्ट्री को फाइनेंस मुहैया कराने में, पैसा मुहैया कराने में और मार्केटिंग करने में हेल्प करेंगे। एजुकेशन की बात की हमने, एजुकेशन में देखिए क्या लागू हुआ है डीपीएसपी से संबंधित, तो देखिए यहाँ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो 45 में हमने बात की थी आर्टिकल 45 में, और 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करने के बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया और इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन एक्सेप्ट की गई एज अ फंडामेंटल राइट फॉर ईच चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14, 6 से 14 साल की उम्र के बीच के बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन जो है कंपलसरी कर दी गई। क्लियर? रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास से संबंधित भी कई सारे इंप्लीमेंटेशन हमें देखने को मिलते हैं, ग्रामीण विकास से संबंधित भी कई सारे इंप्लीमेंटेशन हमें डीपीएसपी के देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा नाम आपको याद होगा, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें साल के कुछ फिक्स दिन जो है हर लोगों को रोजगार दिया जाएगा, ठीक है, तो जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी रूरल एरियाज में जो, और इसकी बात रूरल डेवलपमेंट की बात आर्टिकल 47 में की गई थी। हेल्थ को लेकर भी इंप्लीमेंटेशन हमें दिखाई देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड स्कीम है जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना और उसके बाद नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आर बीइंग इंप्लीमेंटेड, ये इंप्लीमेंट हो गए। एनवायरमेंट से रिलेटेड कई कानून बने क्योंकि डीपीएसपी के जरिए कहा गया कि आपको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड भी कई कानून बने जैसे कि वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये जो है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को सेफ गार्ड मुहैया कराते हैं। उसके बाद वाटर एंड एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट आया, ठीक है, जिसके जरिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी की स्थापना की गई, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हेरिटेज प्रिजर्वेशन जो धरोहर है, हेरिटेज प्रिजर्वेशन देखिए एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, हमने बात की डीपीएसपी में कि जो ऐतिहासिक धरोहर है राष्ट्र की उन्हें सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए कानून आया एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स
रिमेंस एक्ट 1958 कानून आया, ठीक है, किसके लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, जो राष्ट्र के लिए महत्व रखते हैं ऑब्जेक्ट्स उनको प्रिजर्व करने के लिए ये कानून आया, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा सारी चीजें, ये हमने डिस्कस की डीपीएसपी के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन।